इस बार आईपीएल को और रोमांचक बनाएंगे ये नए नियम। फैंस को आएगा दोगुना मजा। आईपीएल 2024 के सीजन का आगाज शुक्रवार से होने जा रहा है। अब इससे पहले आईपीएल के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसमें से एक नियम डीआरएस को लेकर है। आपको बता दें कि अब डीआरएस की जगह स्मार्ट रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो अब मैदान में 8 हॉक आई कैमरे फिट किए जाएंगे, जिससे अंपायर को ज्यादा सटीक फैसला लेने में मदद मिलेगी। अब टीवी अंपायर को उसी कमरे में बैठाया जाएगा जहां 2 हॉक आई ऑपरेटर बैठे होते हैं, और वो खुले मैदान में हो रही गतिविधियों पर नजर बना रखेंगे। अब तक टीवी ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर टीवी अंपायर और हॉक आई ऑपरेटर के बीच संपर्क साधने का काम करते थे, लेकिन अब टीवी अंपायर के सामने ही हॉक आई कैमरे से ली गई तस्वीरों को दिखाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब टीवी प्रसारण निदेशक नहीं दिखेंगे, जो आई ऑपरेटरों और तीसरे अंपायर के बीच संपर्क का काम करते थे। स्मार्ट रिव्यू सिस्टम के आने से टीवी अंपायर को पहले की तुलना में ज्यादा विजुअल मिलेंगे, जिसमें स्प्लिट स्क्रीन पिक्चर भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर बाउंड्री लाइन के करीब मौजूद फील्डर सिर के ऊपर गेंद पकड़ता है। इस दौरान फील्डर के पैर बाउंड्री लाइन से टच हुए या नहीं, जब वो गेंद को पकड़ चुका था, उसको साफ साफ देखने के लिए अंपायर के पास स्प्लिट स्क्रीन पिक्चर मौजूद होगी, जिससे निर्णय लेने में काफी आसानी होगी। पहले ये तकनीकी ब्रॉडकास्टर के लिए उपलब्ध नहीं थी। साथ ही इस सीजन गेंदबाजों के लिए भी एक नियम चेंज हुआ है। इंटरनेशनल T20 मैचों में गेंदबाज एक ओवर में एक ही बाउंसर फेंक सकता है। ये नियम IPL में भी लागू था, लेकिन IPL 2024 के लिए इस नियम को बदल दिया गया है। अब गेंदबाज एक ओवर में 2 बाउंसर गेंद फेंक सकेंगे। इसके पहले भारत के T20 घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस नियम का इस्तेमाल किया जा चुका है। ये नियम गेंदबाजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।